من رؤساء دول متى سنقدم الكحول؟ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा, तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गैर मुल्की से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर आती है चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले एक अच्छी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 2020 में जो यहाँ पर टैक्स था सऊदी अरब के अंदर वो 5% था, लेकिन फिर इसको 5% से बढ़ा करके जो है 15% कर दिया गया था, और जब से लेके अभी तक जो है 15% ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर ये आई है, जो सऊदी अरब के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद अल जदान, उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी खबर सुनाई है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट इस चीज पे डिस्कस कर रही है कि बहुत जल्द सऊदी अरब के अंदर जो टैक्स अभी 15% है इसको घटा करके कम किया जाएगा। अब जो है कितना कम किया जाएगा ये तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन जितना भी कम हो इसमें फायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो इसके बारे में जैसे ही कोई मजीद जानकारी आएगी वीडियो बना करके मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक और जरूरी खबर आई है सऊदी अरब के अंदर शराब के बारे में। तो जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट अभी जो टूरिस्ट सेक्टर है सऊदी अरब के अंदर उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, और सऊदी अरब की गवर्नमेंट यही चाहती है कि दुनिया भर से सऊदी अरब आए लोग घूमने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर टूरिज्म सेक्टर की जो असिस्टेंट मिनिस्टर हैं प्रिंसेस हाइफा बिनते मोहम्मद, तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि पिछले साल यानी 2021 में सऊदी अरब के अंदर लगभग 60 मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बंदे ने इनसे सवाल किया था कि सऊदी अरब के अंदर शराब कब से मिलना शुरू होगी, तो देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने जवाब दिया है, जो कि टूरिज्म सेक्टर की असिस्टेंट मिनिस्टर है प्रिंसेस हाइफा बिनते मोहम्मद, तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि सऊदी अरब के अंदर जो अभी रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लचकदार जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, और सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जो है जो पहले रूल्स रेगुलेशन थे उसमें जो है बहुत ज्यादा नरमी की है। जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं कि वुमेन जो है ड्राइविंग है और औरतों को जो है काम करने की परमिशन दी है। इसके अलावा जो है और भी काफी सारी जो है परमिशन दी गई हैं, जो पहले यानी सख्त कानून थे उनको जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल किया गया है। यहाँ पर कहा है कि जब बात आती है अल्कोहल की तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पहले भी अल्कोहल पे जो है पाबंदी लगा रखी थी, और अभी भी अल्कोहल पर शराब पर पाबंदी लगी हुई है। और उन्होंने यहाँ पर मजीद कहा है कि इतनी सारी पाबंदियां लगी होने के बावजूद भी फिर भी दुनिया भर से 60 मिलियन से भी ज्यादा लोग सऊदी अरब आए हैं घूमने के लिए पिछले साल। और इसके अलावा यहाँ पर एक और खबर आई है, जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के अंदर अभी मर्दमशुमारी चल रही है, सर्वे हो रहे हैं, काउंटिंग हो रही है। तो यहाँ पर दो तरीके से जो है सर्वे हो रहे हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप इसमें जो है ऑनलाइन डेटा जो है अपना दे सकते हैं, अपना मर्दमशुमारी में नाम लिखवा सकते हैं। और दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि जो मर्दमशुमारी के लिए यहाँ पर टीम तैनात की गई है तो वो बंदे आपके जो है रूम पे जाएंगे, एक एक घर पे जो है जाएंगे, वहां पर डेटा जो है इकट्ठा कर रहे हैं, वो आपसे जो है काफी सारे सवाल किए जाएंगे, उनके सही सही जवाब आपको देने हैं। लेकिन खबर यहाँ पर यह आई है कि जो ये टीम होगी, जो वर्कर होंगे मर्दमशुमारी के लिए, ये किसी की भी जो पर्सनल जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, जो कि वो लोग जो है आपसे कलेक्ट करेंगे। मर्दमशुमारी के जो वर्कर हैं ये किसी के साथ भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इनको देंगे, ये किसी के भी साथ में शेयर नहीं कर सकते। अगर ये मान लीजिए किसी के साथ में शेयर करते हैं, मान लीजिए आपके बिजनेस के बारे में या कोई और पर्सनल जानकारी है आपके बारे में, तो इनके खिलाफ यानी जो वर्कर है इनके खिलाफ में जुर्माने भी किए जाएंगे और इनको सजा भी दी जाएगी। इसके अलावा जहाजात के ट्विटर अकाउंट पर एक बंदे ने सवाल किया था कि उनका एक वर्कर जो है छुट्टी पे गया है और वहां पर जाने के बाद उसका जो पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो गया है, लेकिन उसने जो है दूसरा पासपोर्ट बनवाया है, तो क्या सऊदी अरब वो किस तरह से आएगा, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि जो उसकी एग्जिट रीएंट्री वीजा इशू की गई थी वो पुराने पासपोर्ट पर इशू की गई थी। तो यहां पर जो है जवजाद ने इसका जवाब दिया है कि जब उन्होंने नया पासपोर्ट बनवा लिया है तो उसका फोटो खींच करके आप जो है मंगा लो, यानी जो कफील है वो मंगा लेगा और अपने अफसर अकाउंट से आपके नए पासपोर्ट की वो नकल मालूमात कर सकता है। जब वो सऊदी अरब आए तो उसको यहाँ पर एयरपोर्ट पे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जो है आप नकल मालूमात नहीं भी कराते हैं तो दोनों पासपोर्ट जो है आप अपने साथ में लेकर आए, जब आप एयरपोर्ट पाएंगे तो नए पासपोर्ट पर आपकी एंट्री हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट पे सभी फ्लाइट को आज सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आंधी तूफान डस्ट जो है इतनी उड़ रही थी कि बहुत यानी मौसम खराब था, जिसकी वजह से जितनी भी फ्लाइट थी नजरान के एयरपोर्ट से उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और जानकारी आई है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पर बताया है कि उनके यहाँ पर एक मंकी पॉक्स का कंफर्म केस मिला है। तो असल में यहाँ पर हुआ यह है कि एक औरत जो है वेस्ट अफ्रीका से घूम करके आई है और यहाँ पर आने के बाद में जो कि मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है, जिसको मेडिकल केयर में रखा गया है। इसके अलावा आज के कोरोना वायरस की रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो पिछले 24 घंटे में सऊदी अरब के अंदर 540 नए मरीज निकले हैं, 570 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं, एक मौत हुई है, 82 क्रिटिकल केस हैं जिनको आईसीयू में रखा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर एक भाई ने सवाल किया था कफील की बिना मर्जी के नकल कफाला करा सकते हैं या नहीं करा सकते।
देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सऊदी अरब के अंदर जो अभी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। अब जो है वो अपना फाइनल एग्जिट भी खुद से लगा सकते हैं, एग्जिट रेंट्री वीजा भी लगा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर वो नकल कफाला भी करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले भी नकल कफाले के लिए कंपनी राजी हो जाती है तो वो नकल कफाला भी करा सकते हैं पहले भी। लेकिन जो लोग खासतौर से डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर आते हैं वो लोग अपनी मर्जी से नकल कफाला नहीं करा सकते हैं। आपको जो है अपने कफील को राजी करना होगा, अगर वो रेडी होता है तभी आप अपना नकल कफाला करा सकते हैं। लेकिन जब नकल कफाला होगा तो आप अपने अफसर अकाउंट से जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।